गुड मॉर्निंग भाइयों एंड भाभियों, मैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर। आज ऑफिस से छुट्टी लेकिन जिम से नहीं, सो जिम जा रहा हूँ अभी। लो जी, जिम भी हो गया और ह्यूमिडिटी ख़त्म नहीं हो रही यार, ह्यूमिडिटी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही यहाँ पे। देखो बाहर बैठा हूँ मैं, पसीना पसीना। वैसे तो जिम से निकला हूँ मैं, बट स्टिल इन द बैकग्राउंड यू कैन सी रेड बीस्ट। इसका थोड़ा सा काम करवाया था, आप लोगों को दिखाया नहीं ना मैंने अभी, आपको दिखाता हूँ। इस पे हो गया एक तो ब्लैक टेपिंग लाइट पे, इंडिकेटर पे, एंड देन बैक होम। क्या हुआ? ये कुकर सीटियां क्यों मार रहा है? इसको मैं सुंदर लग रही हूँ। मुझे क्यों नहीं लग रही? तो कहाँ था मैं? तो जिम गया था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। छो जाओ, छो जाओ, छो जाओ, छो जाओ, दोबारा से छो जाओ। यार रात को आप इतना तेज एसी चलाया था, पता मैं था। 28 पे एसी कौन चलाता है यार? 28 पे एसी कौन चलाता है? मैं। हैं? रूम का टेम्परेचर 27-26 डिग्री टेम्परेचर होगा और इसने 28 पे चला रखा। अब वो ह्यूमिडिटी कर रहा था बेवकूफ। मैंने सुबह देखा, मैंने कहा यार ऐसी ह्यूमिडिटी सी क्यों फील हो रही है, तो मैंने देखा तो 28 पे कर रखा है। इडियट कहीं की मैंने, कोई नहीं, मैंने 40 अभी भी 40% पे चल रहा है एसी, लाइक मतलब आधे 10 पे, और ये है मैंने 25 पे किया था। 25 से ज्यादा इडियट, मैं नहीं सोऊंगी कल फिर भाई। तुम जाओ उधर बाहर सो, मुझे और मेरी बेटी को सोने दो एसी में, है ना गुगु? पापा और गुगु सोएंगे। चल साइड हो, बोलती एसी के बिना मैं नहीं रह सकती। हाँ ये तो एक मिनट कंबल नहीं उठती। तो फिर आज का क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है, मैं थक गई हूँ यार। तो ऐसा लगता है कि मैं किचन में ही रहती हूँ 24 घंटे। ऐसा लगता है कि यार एक ब्रेक मिल जाए मुझे। आहा, खाना बाहर से मंगवा लेता हूँ। ऐसा नहीं, ऐसे मन करता कि चल पड़े कहीं ऐसे कुछ, और तो कहाँ ही जा सकते हैं, जैसे कुछ रिजॉर्ट टाइप जगह में कुछ जाना है। हाँ पक्का? चुप रहो। तुम क्या करोगी अगर मैं ले जाऊंगा तुम्हें? तुम क्या करोगी फिर? तुम ऐसा वीडियो बनाओगी? मैं पैर धो के पीने पड़ेंगे मेरे। छी बताओ ना, चलना है पक्का? झूठ नहीं बोल रहा मैं, सच्ची बोल रहा हूँ। कहीं भी मैं, वो मेरी हेडेक है, मैं कहाँ लेके जाऊँ? तुम पैर क्यों मार रही? ले जाओ। पक्का? पक्का। डन हो गया फिर, ठीक है मैं जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी लेके आता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि गए घूम के वापस आ गए। नहीं रुकेंगे आज। कहाँ? जहाँ जहाँ ले चलूँ मैं, जहाँ पति ले चले वहाँ चल लो। ठीक है, चलो डन हो गया फिर। आज मैं पूनम को लेके जा रहा हूँ और कल आएंगे अभी हम। चलो अभी हमें भी पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, बट आप लोगों को पता है कि हम कहाँ गए हैं। सो वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी। आज यही सही, आज तुम्हारी विश के लिए। आज था ये सब झूठ बोल रहे हैं दोस्तों, इनके ऊपर ट्रस्ट मत करना। आज मैं इस बात को साबित कर ही दूंगा कि मैं सच बोलता हूँ। स्टे ट्यून्ड। निकल पड़ा हूँ मैं, देख लो सीरियस हूँ मैं। आज लेके जाऊंगा पूनम को कहीं ना कहीं, एंड अभी गाड़ी लेके आऊंगा। कहाँ से? बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार गाड़ी कहाँ जाती है इनकी। गाड़ी मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड के यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ, उसके पास पार्किंग है, और आजकल वो है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए पैदल जाना पड़ रहा है। अदरवाइज उसे बुला लेता बाइक लेके। देखते हैं अगर कोई लिफ्ट वगैरह मिल गई रास्ते में तो ठीक है, नहीं तो फिर पैदल पैदल पहुँच जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मौसम अच्छा है आज, थोड़ा अमरूद लगे हैं यार यहाँ पे। अमरूद मिल गया मुझे, थोड़ा कच्चा है लेकिन खा लूँगा, दांत नकली नहीं है मेरे, असली हैं। गाड़ी तो आ गई लेकिन गंदी बहुत है, तो एटलीस्ट बाहर बाहर से धुलवाना तो बनता है, क्योंकि घूमने जा रहे हैं तो गंदी गाड़ी लेके जाना अच्छा नहीं लगता यार। बाद में गंदी हो जाए बात अलग है, लेकिन अभी तो गंदी लेके मैं नहीं जा सकता। सो वॉशिंग स्टेशन पे और लड़की किसी की गाड़ी लगी हुई है, 10-15 मिनट लगे हैं भाई कह रहा है, सो तब तक वेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। गाड़ी बिना धुलवाए ले आया मैं, एक्चुअली बारिश वाला मौसम हो रहा है और ऊपर से टाइम ज़्यादा लग रहा था, सो मैंने सोचा कि किस लिए पैसे बर्बाद करने, कल जब वापस खड़ी करूँगा तब धुलवा के खड़ी कर दूँगा। देख लो क्या हाल है, अगर बारिश हो गई तो ये फिर से गंदी हो जाएगी। अभी गाड़ी खड़ी करके चलते हैं घर और
पैकिंग पैकिंग करते हैं अपनी। एज प्रोमिस्ड हम हो गए रेडी। हाँ अभी चलने का टाइम आ गया ना, तो अभी नींद आएगी, बहुत ज्यादा नींद आएगी अब, है ना, बहुत ज्यादा नींद आएगी। देख लिया सीरियस था मैं, जो हमारी पत्नी कहेगी हम वो करेंगे। और नया कॉन्सेप्ट, दिस इज द OOTD आउटफिट ऑफ द डे। जा रहे हैं एक दिन के लिए और इतना बड़ा बैग तैयार कर लिया हमने। तो इसमें क्या है, आपको बताइए क्या है इसमें? सामान तो गुगु का ही सारा। पूनम ने मीशो से अपनी फेवरेट जींस मंगवाई थी, जींस तो दिखा दो लोगों को। हाँ, दिखा दो ना एक बार, ये रखी एक बार दिखा। जींस नहीं मंगवाई थी, ड्रेस। ड्रेस मंगवाई थी। हाँ। एक बार निकाल के दिखाओ। ड्रेस मंगवाई थी और मेरी ड्रेस देखो क्या है, ये फिर भी अच्छा लग रहा होगा आपको। आ जाए इधर आ जाए, एक ही साइड है आधी जींस। बड़ी उतावली हो रही है गुगु, गुगु बहुत उतावली हो रही है। चलो 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 चलो, आप लेके चल रहे हो ना हमें, लेके चलो, कहाँ लेके जाओगे। चलो 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 चलो, रेडी रेडी जा रहे कहाँ हम? बुक किया मैंने तुम्हें, अच्छा लगेगा। कितना दूर है यहाँ से? तकरीबन 15 किलोमीटर्स। बस और ज्यादा दूर जाना था? नहीं नहीं बस इतना ही। चलो तो शाम जाते जाते हो जाएगी, तो फिर शाम कैसे हो जाएगी जाते जाते, अगर ज्यादा होता तो। हाँ इसीलिए तो पास में किया, एक दिन के लिए जा रहे हैं, कहीं बहुत दूर नहीं करता हूँ, पास में करते हैं और फिर टाइम मिल जाएगा। वैसे भी 12-1 बज गया निकलते निकलते, सो स्टे ट्यून्ड। चलो डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। हेलो गुगु, कैसी रही? अच्छी जगह, अच्छी पसंद आई? कितना कितना एक ग्राउंड कितना अच्छा है यार, है बड़ी सी बिल्डिंग, एवरीथिंग इज सो सो क्लीन एंड ब्रॉड, अच्छा लग रहा। बाकी रूम देखते हैं चल के कैसा है। और हम पहुंच गए वहां पे जहां पे हमें पहुंचना चाहिए था, दिस इज द रूम। डिसेंट है थोड़ा, ठीक है। गुगु को अभी नए नए कोने मिलेंगे जहां पे इसे घुसना है। सबसे अच्छी बात है कि यहां किचन नहीं है। बाहर का व्यू दिखाएं आपको। अच्छा यार आते ही लगी है भूख, और इनको भी लगी है भूख। मुझे लग रहा हम लोग ही हैं यहाँ पे, और कोई है ही नहीं अभी। चल गुबी, ये होती है लिफ्ट, लिफ्ट, इससे हम ऊपर वाले फ्लोर और नीचे वाले फ्लोर पे जाते हैं। गुगू तैयार है खाना खाने के लिए। गुगू रेंज से बाहर जाती हुई, वापिस आओ वापिस आओ वापिस आओ, आराम से आराम से उड़ के आ जाओगे, आराम से चलना होता है। पूनम कह रही थी अरे इसकी ब्रेकें फेल हो गई हैं, इसकी ब्रेकें फेल हो गई आज भी, अभी भी इसने रिमोट उठा के उसके पीछे फेंक दिया, अभी बेड बॉक्स हिल नहीं रहा, कैसे निकालेंगे। और इधर देखो मैडम ने लगा लिया किचन अपना, इंडक्शन लेके आई हो तुम? मेरी किचन से ब्रेक नहीं होती, देख लो आधा किचन ले आई हूं मैं। ये देखो बैग में क्या था, ये था बर्तन, इंडक्शन। दोस्तों अगर आपका बच्चा भी छोटा है और आपको समझ नहीं आता है कि उसको खाना कहाँ खिलाए क्या करें, और ये हम घूमने आए हैं, ठीक है देख लो। अभी उठी थी थोड़ा सा। चाओ। ओके बाय दोस्तों, आज मेरे पास फोन है, ऑर्डर करो, हेलो दो कॉफी भेजना, मुझे खुद किचन में नहीं जाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, तो मैं और मेरी बेटी ने 3 घंटे की नींद ले ली है, और ये पत्नी को अच्छा फील करने लाए थे और खुद मजे से सो चुके, मस्त मजा आया ना सो के, है ना मस्त मजा आया। कहाँ गए हम?
ये देखो ये लाई थी निकाल के यहाँ से फेंकने के लिए। ओए हेलो डिब्बी खोली दोनों निकाले डिब्बी अंदर फेंक के होगी कहीं यार ये ले आई दोनों फेंकने के लिए। भगवान हे भगवान। रस्सी डालते हैं ना एक रस्सी से बांधते हैं गुगु को और धीरे धीरे नीचे छोड़ देते हैं और फिर ऐसे घूमने देंगे ना फिर जैसे खींचनी होगी रस्सी नहीं खोलेंगे गुस्सा कर दो खींच लेंगे गुस्सा कर दो कर ले हो जाए गुगु हो जाए। नहीं कप कहाँ रखे कहाँ रखे कप गुगु से छुपा के कहाँ मुझे लगा बैग में डाल ली गई इधर ये सेल निकाल ली है रिमोट के इनके साथ लगी हुई है क्या करोगे इनका हाँ चिल्ली पोटैटो मंगाया और इस तरह से दे गए वो मैंने उसे बोला मैंने कहा दो शीशे के गिलास भी दे दो वो ऐसे देख रहा है मुझे चिल्ली पोटैटो और शीशे के गिलास रेडी बाहर जाने के लिए हमारे कंधे पे लटक के जाते थे आज तो अपने पैरों पे चल के जा रहे हो आप आराम से भागने लग जाते भागने लग जाते गुगु पिज्जा खाओगे आज पिज्जा खाओगे आप मजा आ रहा है यार यहाँ पे है ना काफी Thanks. खुला खुला हाँ देख लो तुमने बोला मुझे और मैं ले आया तुम्हें मुझे लगा था सोते सोते निकाल देंगे पूरा दिन और हम आ जाएंगे बिल्कुल यहाँ से सिविल लाइन वाला मैकडी सॉरी डोमिनोज पास में ही है 8-9 किलोमीटर के आसपास रहेगा मतलब बाहर जाना तो खाना क्यों खाना ना हाँ यहाँ नहीं खाएंगे ना वहाँ पे खाएंगे ना यहाँ हमने दोपहर खा लिया योगा इन कपड़ों में योगा नहीं करते कर लेते हैं छोड़ दो नीचे छोड़ दो कर लो तो फिर चलो ना कर लो। बद्दे कर लो ऐसे और अभी हम जाएंगे डोमिनोज क्योंकि हमारे पास गुगु को पता नहीं क्या हो गया घर में पूरे दिन क्रॉल करती रहती है यहाँ पे इसको लगता है पता नहीं क्रॉलिंग नहीं करते होंगे डाइनिंग रूम में चली जा रही है नीचे बालकनी में चली जा रही है बाहर चली जा रही लेकिन चल के जा रही है चल के जा रही है हाँ सो व्हाट आई वाज सेइंग कि डोमिनोज का 500 रुपए का वाउचर पड़ा है हमारे पास जो मुझे काफी दिनों से खटक रहा है आज काम करी उस दिन भी वैसे पिज्जा का प्लान था पर फिर हमने बिरयानी खा ली तो आज उसका काम तमाम कर देंगे छोड़ेंगे नहीं। एक ड्रेस गुगु की इंद्रमासी ने दिया इंद्रमासी देख लो मैंने पहन ली है बोल दो इंद्रदेव बहुत बहुत शुक्रिया बोले मैं चलने का वेट कर रही थी कब चलूंगी तो मैं ये पहनूंगी अरे 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 दिखा रही है चल के अच्छा अरे कितना तेज दौड़ रही है देखो देखो मेरे पास आ रही थी अरे घूमते घूमते एक स्टोर देखा और वहाँ पे शॉपिंग करने आ गए ऊंची नीची हो गई है एक शूज पहना एक नहीं पहना चलना नहीं जा रहा बेचारी से गुगु बैलेंस नहीं आ रहा शॉपिंग करने गए थे मैंने कम से कम 10 पैंटे ट्राई करी होंगी मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया यार और मेरे को तो कुछ नहीं पसंद आता मेरे को ना ऑनलाइन शॉपिंग करने की आदत पड़ गई है और किसी के लिए ले ना ले गुगु के लिए कुछ ना कुछ ले लेते हैं कुछ आ ही जाता है गुगु के लिए आ गए देखो शूज के पेयर है ना इतने सारे कोई 8-10 होंगे फिर भी मेरे को पसंद आ जाता है मैं क्या करूं और मैं ले लेती हूं क्यूट है ना गुगु चलने लगी ना इस खुशी में एक और चप्पलें दिला दी आज पापा ने जिसका मुझे था इंतजार जो घड़ी आ गई है बड़े दिनों से मैं वो जो कूपन पड़ा था हमारे अकाउंट गुगु क्या था ये कूपन पड़ा था बड़े दिनों से वो खटक रहा था आज हमने पूरा कर दिया आज हमने मंगवाया है बेजी पैराडाइज व्हिच इज दिस ये ऐसे कर रही है ओह पेट फट गया ओए मजा आया आज वाला पिज्जा बेस्ट था आज वाला अच्छा था मतलब हमेशा बेस्ट होता है लेकिन पिछली बार हमने फार्म हाउस खाया था इस बार हमने बेजी पैराडाइज खाया है तो आपको खिला तो रहे थे गुगु आप खा ही नहीं रहे थे ऐसे कैसे बच्चे होते हैं ना उनको कुछ टेस्ट करा दो जैसे आइसक्रीम या चॉकलेट या चिप्स कुरकुरे वगैरह मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि अच्छा होता है बच्चों के लिए बट एक टेस्ट होता है ना कि बच्चे को आता है बच्चा होता है वाओ यही चाहिए मुझे ये ऐसी है इसको कुछ दे दो उसको कुछ नहीं पसंद आया आज तक आइसक्रीम चॉकलेट टॉफी खाना नहीं चाहती कुछ भी कुछ नहीं खाना चाहती साधु संत सादी जिंदगी जीते दाल खिचड़ी में खुश है खिचड़ी पसंद है ना इसे थोड़ी सी मतलब खिचड़ी के लिए थोड़ी ज्यादा है मतलब पहले चम्मच में थोड़ा सा रोती है कि नहीं खाना फिर उसको लगता है कि नहीं ये तो मेरा ही खाना है ये अच्छा है टेस्टी खा लेती है उसको खिचड़ी खा लेती है
अभी चलेंगे वापस बैक टू रूम और आज तो बहुत खुश हो गया। बैक टू होम नहीं, बैक टू रूम, सुन लिया ना अच्छे से? बैक टू रूम। मस्त मजा आ गया यार, उनका गार्डन इतना अच्छा। मैं तो ऐसे ही बोल दिया था सुबह मजाक में, आप तो सीरियस हो गए। ऐसे होता है, फिर मैंने सोचा यार चलो बीवी ने बोला है तो इस बात को हम पूरा करेंगे, ऐसा थोड़ी ना। ओए 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 गुगु गिर जाते हैं तो। आज तो ये रुकी नहीं रही है। सो इनको भी सरप्राइज कर दिया मैंने एकदम से प्लान बना के, और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा उम्मीद करते हैं। तू इधर आ जा बेटा, बेटा जी इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। होटल में भी रह लिए, पिज्जा भी खा लिया, और इट वॉज लेजिट सैटरडे इवनिंग, मजा आया। और अभी हम कल सुबह उठेंगे और सीधे घर चल जाएंगे, अब घर जाके सोएंगे फिर, क्योंकि परसों ऑफिस है। गुगु निन्नी आ गई है आपकी भी? निन्नी आ गई है इनको। देखो आंखें भरी हैं इसकी नींद से। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वीडियो को लाइक करके जाया करो ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो, व्हाट्सएप स्टेटस भी करा दो, कोई फायदा हो जाएगा। आतंकवादी बनना पड़ेगा तब तुम लोग मेरे वीडियो वायरल करवाओगे। पुनीत सुपरस्टार बनना पड़ेगा। क्या से हो मेरे YouTube पे चाहने वालों। साइनिंग ऑफ टुडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय। हाय हाय आज कर दिया, होटल में आके कर दिया आपने। बाय बाय छी तेरी। चलो बाय बाय, बाय बाय टन टन टन।